धुंधार साहब, धुंधार साहब, यूं इस तरह तेज चलकर क्या सोच रहे हैं आप? ऐसे तो ये कालीन घिस जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ खातून, याद रखो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उस्मान के दुश्मन आज तक कभी इतने मजबूत नहीं हुए थे। मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ से दुश्मन है। अंदर से तुम्हारी क्या मुराद है? जब किसी की खातून बेचैन हो जाए तो फिर उस खातून के शौहर पर अफसोस होता है। आप जानते हैं, फिर वो चिराग लेके अमन के तलाश में निकल जाता है। मलहून खातून ने वाजे तौर पर बाला खातून को बहुत परेशान किया हुआ है। आज शिफा खाने में मैंने देखा, मलहून की मरने की उम्मीद लगाई थी बाला ने। मैं देख के भी अनजान बनी रही। तुम गलती पर तो नहीं हो, तुम बाला खातून की बात कर रही हो। बिल्कुल। खैर, जो भी हो, खातून खातून होती है धुंधार साहब। छोड़े, मैं ये मामलात आपसे बेहतर समझती हूँ। ये वाज़ह है कि तुम्हारे दिमाग में कोई मंसूबा जरूर है। वाकई ऐसा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।